पहले पावरी करके एक जगह है, ऐसी कौन सी टपरी जो हमसे चपरी या ये जो इन्होंने ऐड किया है, जो मुद्दा था वो यही था। सो गाइस ये देखिए हम पहुंच गए हैं चितकुल के लास्ट ढाबे पर, और ये जो ढाबा है सामने दिख रहा है चितकुल, स्वर्ग का द्वार खुल चुका है ऐसा लिखा हुआ है इस पर। और सामने जो दिख रहा है आपको ये ढाबा है, आपको और पास से दिखाता हूँ जिस ढाबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन हम रिकॉन्ग भी होना जाता उससे थोड़ा सा और आगे कल पर जाकर रास्ते में हमें बहुत सारे झंडे मिले, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई, आप देख ही सकते हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ का दृश्य। पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ों के बीच में से रास्ता गया हुआ है, और वो सामने चोटी दिख रही है बिल्कुल किनारे पे, उसमें आप बिल्कुल एक रुका हुआ है ये पूरा पहाड़। तो हम चलते हैं, ये देखिए पहाड़ी बहुत ही बेहतरीन। अब हम जा रहे हैं फिर आगे आगे की तरफ, पहाड़ी के बीच में से निकलते हैं। ये देखो ये वो है, कौन सी वाली फिल्म थी वो, किल्वेश, ये महाराज किल्वेश है। मांसाहारी हो गए, इसमें पानी डाल दीजिए, ये हरा भरा हो जाएगा, तो इसको अपने शराब से फूंक दीजिए। कौन सी जगह है सर, ये जगह है टपरी। ये हम जब रिकॉन्गपियो जाते हैं तो रास्ते में टपरी पड़ता है, टपरी से थोड़ा सा आगे हमें चितकुल जाने के लिए एक राइट टर्न लेना है, अभी हम डायरेक्ट रिकॉन्गपियो नहीं जाएंगे। तो इसमें आगे भी कोई पेट्रोल पंप पड़ेगा सर, इसके आगे पावरी पड़ेगी, जब हम रिकॉन्गपियो पहुंचने वाले होंगे उससे पहले पावरी करके एक जगह है। ऐसी कौन सी टपरी जो हमसे चपरी या ये जो इन्होंने ऐड किया है, जो मुद्दा था वो यही था, कहना यही चाहते थे। दो
दोस्तों हम जो है टपरी में है अभी, और आपको पोस्ट ऑफिस दिखाते हैं जो पहाड़ों का पोस्ट ऑफिस कैसा होता है। रास्ते में आपको पहाड़ी पत्थर मिलेंगे, ऊंचे पहाड़ मिलेंगे और बड़ा छोटा सा रास्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे आपको वहाँ की सुंदरता देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो अब हमने देख लिया है ढाबा यहाँ पर कैसा है क्या है, पूरा गांव घूम चुके हैं, तो जगह तो अच्छी है, ठंडी है, बर्फ जैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लोग यही देखने आते हैं, यही घूमने आते हैं। तो अब जो है हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, मैगी खाने के बाद में आगे चलेंगे। बस सबसे अच्छी बात यहाँ है क्वालिटी बहुत बढ़िया है हवा की। ये देखो तो गाइस चलते हैं एक बार नीचे, चाय और मैगी पी कर आते हैं। देखिए नीचे उतरने का रास्ता है यहाँ से, अब हम पहुँच चुके हैं अंदर ढाबे में। यहाँ से आए थे ऊपर से, तो अब विद्यार्थी जी आए थे यहाँ पर, मैगी है अच्छा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये छोटा सा ढाबा है, और खली भाई साहब भी आए थे यहाँ पर, तो काफ़ी सारे एक्टर सर वो सब आए हुए हैं यहाँ, तो काफ़ी अच्छी जगह है, एक बार आना चाहिए सबको। और अब यहाँ देखो क्या क्या मिलता क्या है, यहाँ पर बताता हूँ आपको। यहाँ पर चावल, चपाती पापड़ी चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, दही चावल, और
आखिरकार अब हमारा टाइम आ गया था वहाँ से चलने का, और थोड़ी देर बाद जाम खुला तो वहाँ से निकल पड़ा। हमारा दूसरा दिन भी खत्म हो गया और अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलेंगे। रात में जाकर अब होटल में रुकते हैं और ये ब्लॉग अब ख़त्म करने का टाइम आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आपको, ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तभी इस तरह की अच्छी वीडियो हम बना पाएंगे। अगर कुछ आपको गलत या सही लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ ये सफर कंप्लीट किया, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा जहाँ आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे